हाँ तो भाई ओमलिंगला जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जिसकी ऊंचाई 19,024 फीट है सी लेवल से। तो मैं आज ओमलिंगला जाने के आपको 3 जगह से रास्ते बताने वाला हूँ। एक मनाली से, दूसरा लेह से, तीसरा है पेंगोंग लेक से। तीनों जगह से बताने वाला हूँ मैं रोड कंडीशन, फ्यूल कहाँ का अवेलेबल है, स्टे में कहाँ पे बजट स्टे है वो बताऊँगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं मनाली से स्टार्ट करता हूँ। तो मनाली से भाई अपन चलेंगे सबसे पहले सोकर। फर्स्ट रात अपन सोकर में ही रुकना है अपने, क्योंकि 317 किलोमीटर है मनाली से, इससे आगे अपन नहीं चल सकते कितनी कोशिश कर ले। तो आपको सोकर रुकना है। सोकर जो है ये पूरा पक्का रोड है, कोई दिक्कत नहीं, झमाझम रोड है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, आप मनाली से निकलेंगे तो तंडी करके जगह आता है, वहाँ लास्ट पेट्रोल पंप आता है, तो वहाँ से आप पेट्रोल अपनी बाइक में फुल करवा लीजिएगा और करीब 15 से 20 लीटर अपने साथ केरी भी कीजिएगा। इतने की ज़रूरत आपको लगना ही है इस ट्रिप पे अगर आप चल रहे हैं। आगे जाके मिलता है, पर ब्लैक में मिलता है, जिसका रेट करीब 150 से 200 के बीच में रहेगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और मनाली से पेट्रोल मत लीजिएगा, केरी करिएगा, क्योंकि जो टनल है अटल टनल, उसके अंदर अलाउ नहीं है। और आप यहाँ आएंगे सोकर, तो ये जो मनाली लेह हाईवे, इसमें बीच में जो है वो पंग डेबरिंग इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं उसको, वहाँ से सोकर का रास्ता है। सोकर बहुत सुंदर जगह है और यहाँ पे सब मिल जाएगा, आपको डिनर वगैरह सब है। और यहाँ स्टे जो है 300 से 400 रुपये पर पर्सन में आपको मिल जाएगा, 400 500, इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये उसके बाद डे 1 वहीं रुकना अपने को सोकर में। डे 2 अपन सोकर से चलेंगे एक्चुअली सो मोरेरी, इसका डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, ये पूरा ऑफ रोड है। इसमें रास्ते में एक जगह पड़ती है फुग्गा, जिसको बोलते हैं फुग्गा वैली, ठीक है। ये बहुत सुंदर जगह है फुग्गा वैली। यहाँ पे एक्चुअली ज़मीन के अंदर से एक पानी का फुहारा टाइप आ रहा है, जिसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, इसमें से गर्म पानी आता है भाई, बोलते नीचे ज्वालामुखी थी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक गांव आता है, वहीं से रास्ता सो मोरेरी के लिए जा रहा, और एक रास्ता जा रहा महे, ठीक है। ये दो रास्ते, तो सो यहाँ जाएंगे अपन सो मोरिटी। तो सो मोरिटी में मैप में इस तरफ शो कर रहा है, पर आपको एक्चुअली इस तरफ की तरफ आना है, जो ये सर्कल दिख रहा है आपको इस तरफ आना है, इस तरफ नहीं आना। इस तरफ क्या आर्मी का बेस कैंप है, तो वो नीचे जाना अलाउ नहीं करते आपको, तो आप इधर की तरफ आइएगा। सब इधर ही आते हैं एक्चुअली, मैप में उस तरफ शो हो रहा, बस इस तरफ के आते हैं सब। तो ये देखिए आप, बहुत सुंदर जगह है। हम मैप के कारण उधर चल गए थे तो हमको दिक्कत आई थी थोड़ी, बहुत सुंदर जगह है ये भी, पेंगोंग लेक की तरह ही है, बहुत सुंदर है बहुत। इसके बाद देख इसी दिन सेम डे में अपने को ये सो मोरेरी घूमिएगा, और सेम डे आप निकल जाएगा भाई न्योमा के लिए, ठीक है। न्योमा का डिस्टेंस यहाँ से जो है वो 90 किलोमीटर, 80 से 90 किलोमीटर है सो मोरेरी से, और ये रोड पूरा ऑफ रोड है, ठीक है, पूरा ऑफ रोड है ये। तो आप यहाँ से जाएंगे तो बीच में महे निकलेगा, महे वाला हाईवे, यहाँ से महे से एक्चुअली पक्का रोड है, और महे में आपके जो परमिट है वो चेक किए जाएंगे। तो आप परमिट की 4-5 कॉपी रख के रखिएगा, कहीं कहीं मांग भी लेते कि दे जाओ उनको, देते ही हैं वैसे, मांगते ही सभी दूर, पर कहीं कहीं पे तो महे में रख के जाएगा। न्योमा मैंने इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि न्योमा में स्टे बहुत सस्ता है, यहाँ 300 से 400 रुपये पर पर्सन में होम स्टे अवेलेबल है, और न्योमा में एक्चुअली जियो का नेटवर्क मिलता है, नेटवर्क बाकी कहीं नहीं मिलेगा, मैंने जहाँ बताया था कहीं पे भी नहीं मिलता, न्योमा में मिलता है सिर्फ जियो का। तो भाई न्योमा से आप हानले जाके भी नाइट रुक सकते हैं, अगर न्योमा में आपको नहीं रुकना तो हानले पर, हानले में नेटवर्क नहीं है। दूसरी चीज़, हानले में स्टे जो है 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन है, पर जगह बहुत सुंदर है, स्काई सेंचुरी बोलते हैं इसको, और आपका खुद का कैंपिंग टेंट है तो आप हानले में ही रुकेगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो डे 2 हानले या न्योमा, यहाँ पर आपको रात रुकना है, दोनों में से जहाँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई लेह से जो है, लेह से ही आने का बता रहा हूँ मैं आपको, लेह से हानले तक का रास्ता मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हानले को एक पॉइंट मान रहा हूँ बीच में, और यहाँ से आपको सब दूर जाना है वो मैं बात करने वाला हूँ, इसलिए मैं सब दूर से पहले हानले आएंगे, उसके बाद मैं आपको ऊपर जाने का रास्ता बताऊँगा। तो भाई लेह से अपने को जाना सबसे पहले न्योमा, और न्योमा से हानले, तो हानले तक का जो डिस्टेंस है लेह से वो 254 है, एक दिन में हो जाता है। एक्चुअली रोड अच्छा है, और इसमें जो है करू, करू के बाद आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये उपची करके जगह है, यहाँ से रास्ता कटा हुआ है, और इसमें लास्ट पेट्रोल पंप जो आपको करू में, करू के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो यहाँ से भी आपको चलेंगे तो आपको केरी करके चलना ही पड़ेगा पेट्रोल, ठीक है भाई। इसमें भी वही महे आएगा, महे के बाद न्योमा आएगा, न्योमा के बाद लोमा आता है, यहाँ से रास्ते कटते हैं सारे, आप देख रहे हैं लोमा, ये जगह का नाम है लोमा, यहाँ बीच में जहाँ मूड लिखा है ना, यहाँ न्योमा है, तो लोमा, सॉरी, तो लोमा से भी आप हानले आएंगे, ये रास्ता हानले के लिए। तो हानले अगर बजट है तो हानले रुकिएगा, वरना न्योमा रुकिएगा, दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको।
तो ये तो डे वन में हो जाएगा आपका, हनले भी आते हैं या न्यूमर आते जो भी है, तो लेह से डे वन में हो जाएगा। अब अपन पेंगोंग लेक से देख रहे थे भाई, तो भैया पेंगोंग है, पेंगोंग से हनले, पेंगोंग से हनले आने के एक्चुअली दो रास्ते हैं, और दोनों रास्ते चुसुल से आके जो है ये कटते हैं। तो भाई एक का डिस्टेंस है 163 किलोमीटर, एक का है 208। 163 वाला जो है चुसुल, जो है चुसुल इससे आएंगे तो इसमें जो 163 वाला, इसमें रेजांगला वार मेमोरी पड़ता है जहाँ भारत और चाइना का युद्ध हुआ था भयंकर वाला, ठीक है भाई, रेजांगला वार मेमोरी। तो इसी इस रोड पे पर पूरा रेगिस्तान रोड है भाई ये, यहाँ कोई वो आपको इंसान भी नहीं दिखता है, पूरा ये जो रोड है पूरा कच्चा रोड है और रेतीला है कहीं कहीं पे। और ये आके मिलता है भाई लोमा पे, लोमा करके जगह, यहाँ चेक पोस्ट है मैंने बताया था, लोमा पे आके ये रोड आपको मिलेगा और लोमा से ही आपको फिर हानले की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा रोड जो है वो अपना चुसुल, चुसुल से ही कटता है एक्चुअली, तो वाला रोड एक्चुअली अच्छा रोड है, पक्का रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऑफ रोड करना चाहता है तो उधर जाइएगा, पर उधर दिक्कत बहुत है, तो आप ये रोड सजेस्ट करूँगा मैं आपको। तो यहाँ से आप चुसुल से महे आएंगे, ये रोड अच्छा है, उसके बाद महे से वही लोमा रात रुकना है तो न्योमा, रात रुकना है तो न्योमा, वरना आप हानले आ जाइएगा। लोमा से रास्ते हैं सब दूर के, तो हानले आ जाएंगे। अब मैं आपको हानले से ओमिंडा बताने वाला हूँ भाई, तो ये है मेन रास्ता, तो इस पर ज़्यादा समझिएगा। अब ये देखिए ये वाला रास्ता जो है, जो वाइट लकीर पे मेरा सर्कल चल रहा है, ये भाई पूरा कच्चा रोड है, इस पर एक्चुअली रेतीला रोड है, गाड़ी स्किड करके चलती है। और ये जो है चुसुल का ब्रिज है, ये चुसमुले ब्रिज, यहाँ से लद्दाख का गेटवे है, ठीक है भाई। ये तो ये रोड तो भाई पूरा पक्का है, बिल्कुल मतलब ऐसा है, शानदार वाला रोड है, हाईवे वाला रोड होता है ना वैसे रोड बना हुआ है ये, चुसुल से ओमिंगला तक का भी, और ये जो मेन रोड है ये भी ऐसे ही बना हुआ। अब दूसरा जो है ये ब्रिज, ये ब्रिज से मैं हनले तक का रास्ता बताता हूँ, क्योंकि ओमिंगला से कोई मैप में रास्ता नहीं दिखाता और नेटवर्क तो यहाँ आता ही नहीं, तो आपको ऑफलाइन मैप के थ्रू ही चलना पड़ेगा भैया। तो हानले से जो फोटीला वाला रोड है, ये रोड एक्चुअली 2022 में जब हम गए थे इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, ये कंडीशन थी ये देखिए आप, बहुत ख़राब कंडीशन, बट अब ये बन गया है, इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस टाइम, पर अब ये कंस्ट्रक्शन होकर तैयार हो गया। और आपको बता दूँ फोटीला जो ये पास है, ये वर्ल्ड का 6th सबसे हाईएस्ट पास है, ठीक है, तो ये आप पक्का रोड है ना, तो ये गेटवे है, गेटवे से आप आएंगे, गेटवे के फोटो देख लीजिए है ना। ये रास्ता आगे जो ओमिंगला है गेटवे से जाता है, ओमिंगला ओमिंगला से आगे जाता है डेम चौक तक रास्ता, ठीक है। डेम चौक में चाइना की जो है बॉर्डर आ गई है, इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है भाई, ये इंडिया चाइना की बॉर्डर है। और इसके पहले ओमिंगला आता, इसका डिस्टेंस हाले से टोटल 70 किलोमीटर है ओमिंगला का, आप डेम चौक तक शायद जा सकते हैं ना, एक बार आप पूछ लीजिएगा ओम निगला जाके, वहाँ एक कैफ़े हैगा एक, ठीक है, एक तो आप उसी रोड से आइएगा। एक ये रोड भी, ये वही मैंने बताया था जो फर्स्ट में आपको ओम निगला से कच्चा वाला रोड है, बट इस पर मैंने बताया ये जो येलो रोड है यहाँ तक तो पक्का, इसके बाद एक कच्चा रोड स्टार्ट हो, इसमें भी मतलब आप भटक जाएंगे, इस रोड से कहाँ से आपको अंदर घुसना ये नहीं पता, यहाँ खंडर है, खंडर के वहाँ से आपको अंदर एंट्री लेना है, ठीक है, थैंक यू।